जानते हैं चंद्रमा की दूसरी अशुभ स्थिति जो है ग्रहण योग कैसे बनता है। चंद्रमा का संबंध अगर राहु के साथ हो तो कुंडली में ग्रहण योग बन जाता है। चंद्रमा केतु के साथ होगा तो भी ग्रहण योग बनेगा, क्योंकि वो राहु केतु के एक्सिस में आ जाएगा। इस योग के होने पर मानसिक उतार चढ़ाव बहुत होता है, व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं होता, व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता और मन से संबंधित बीमारियां, मन से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। चंद्रमा का ग्रहण योग कभी कभी दरिद्रता भी पैदा करता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा का ग्रहण योग है, अपने विचारों पर काबू करिए, क्योंकि आपके विचार, आपकी सोच ही आपको मुश्किल में डाल देगी। क्या उपाय करेंगे? एक तो पूर्णिमा का उपवास करिए और इस दिन केवल जल ग्रहण करिए या केवल लिक्विड डाइट लीजिएगा। पूर्णिमा पर भगवान शिव की उपासना जरूर करिएगा। एक सफेद चंदन का छोटा सा टुकड़ा नीले धागे में बांध करके बुधवार या शनिवार को अपने गले में धारण करिएगा। और अगर चंद्रमा का ग्रहण योग है तो सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करना भी आपके लिए बेहतर होगा। अब जानते हैं चंद्रमा की तीसरी अशुभ स्थिति के बारे में, जिसका नाम है विष योग। कैसे बनता है? कुंडली में चंद्रमा शनि का संबंध हो, एक साथ हो, दृष्टि संबंध हो, राशि परिवर्तन हो तो विष योग बन जाता है। शनि की चंद्रमा पर अगर दृष्टि पड़ जाए विष योग में तो ये योग काफी भयंकर हो जाता है। शनि चंद्रमा का विष योग अवसाद जरूर देता है, डीप डिप्रेशन और मानसिक बीमारियां पैदा कर देता है। हालांकि कभी कभी इस योग के होने पर व्यक्ति अध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, लेकिन अगर ये योग है तो 80% मामले में OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, अकेलापन पैदा कर देता है। क्या करना चाहिए? इस योग के होने पर खान पान और जीवनचर्या अपनी ठीक करें, नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें और शनिवार को सुबह सुबह शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करें। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।